नमस्ते सभी को। तो अभी हम लोग लेक्चर 2 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग शिफ्ट की बातें कर रहे थे कि किस तरह से हमें शिफ्ट मिलता है। इसी क्रम में कल हमने एक असाइनमेंट भी लिया था कि हम एक अपने लिए जर्नल बना लें और उसमें हम कुछ चीज़ों को रोज अभ्यास के रूप में लिखते हुए चलें। तो कल जो असाइनमेंट लिया था कि अभी तक जितना हमने UHV को स्टडी किया उससे हमारे अंदर क्या शिफ्ट मिला है, इसको अपने जर्नल में लिखना है, और किन बातों पे हम अभी लगता है गति नहीं कर पा रहे हैं, अभी फंसावट दिख रही वहाँ पर। तो एक प्रश्न तो मैं ये करूँगा कि हम में से कितने लोगों ने ऐसा एक जर्नल कल बना लिया है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ऐसा एक जर्नल तो बना लें और हम उसमें डेली अपने ऑब्जर्वेशन को और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए असाइनमेंट मिल रहा है उसको करते हुए चलें। तो ये जो दो बातें हैं कि हम किन मुद्दों पर ऐसा लगता है कि पार पा गए, वो हमारे में शिफ्ट मिल गया, और किन मुद्दों पर लगता है कि अभी पार नहीं पा रहे हैं, उलझ जाते हैं, अभी फंस जाते हैं, इन दोनों को नोट करते हुए चले। फिर देखिए पहला कॉलम अभी कितना एनरिच होता जा रहा है, दूसरा कॉलम में कैसे पॉइंट्स घटते जा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर जो काम हो रहा है उस गति को दिखाएगा, है ना। और आप देखेंगे कि समय के साथ जैसे जैसे हम अपने अंदर जांच परख करते हैं, जैसे जैसे हम अपने भाव के प्रति और सजग होते हैं, समझ के लिए काम करते हैं, तो हमें शिफ्ट दिखने लगते हैं स्वयं में, संबंधों में। तो एक तो वो करने योग्य काम है, तो ये भी एक हमारा असाइनमेंट रहेगा जो ऑन गोइंग रहेगा कि हम अपने आप में इस तरह के चीज़ों को ऑब्जर्व करते चलें, अपने में परिमार्जन को देखते हुए चलें। फिर इसी क्रम में हम लोगों ने जो UHV से पहले की स्थिति थी और UHV अभी तक जितना हमने अभ्यास किया उसके आधार पर जो शिफ्ट मिला है उसको स्टडी किया, उस पर हम लोगों ने बात की और उससे कुछ जो निष्कर्ष निकले उस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो क्वालिफिकेशन ये है हमारे लिए UHV 3 के लिए कि अभी तक जितना हमने अध्ययन किया उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए हैं कि ये जो पूरी बात है, जो पूरी वस्तु है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है और इसे समझना मेरी अपनी आवश्यकता है। मुझे लगता है हम सभी इस बात को तो देख पा रहे होंगे, है ना, कि हम इसे समझकर कोई विशेष काम नहीं कर रहे, कोई दूसरे को उपकार नहीं कर रहे, बल्कि मेरी आवश्यकता है। मैं सुखी होना चाहता हूँ और सुखी होने के क्रम में ये एक मौलिक आवश्यकता है। अभी तक जो हमने प्रयास किया है इस वस्तु को समझने के लिए और उसको जीने के लिए, उसमें इस बात पे क्या हम निष्कर्ष पे पहुंच पाए हैं कि मुझे पहले अपने ऊपर काम करना है और अपने सुख और दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जो दूसरा व्यक्ति है या जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ ट्रिगरिंग पॉइंट है। यदि मैं दुखी हो रहा हूँ तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिगरिंग पॉइंट यानी उकसाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही है जैसे कि पेट्रोल तो हमारे अंदर भरा है, अगला सिर्फ पलीता लेकर आता है और हम भभक जाते हैं। तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट के रूप में ही काम कर रहा है, परंतु जो अयोग्यता है वो मेरे भीतर है। तो इस बात को क्या हम देख पा रहे हैं कि मैं अपने सुख और दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ? इस पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ढेर सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा। इस निष्कर्ष पे यदि हम पहुंच जाते हैं ना कि मैं अपने सुख और दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, तो हमारा पूरा फोकस फिर स्वयं पे होता है। बाहर की चीजें ही बदले वहां तक तो ठीक है, परंतु उनके बदलने से ही मैं सुखी होऊंगा अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो मेरे निरंतर सुख का आधार कभी बन ही नहीं सकता। पलीता होता ना, जैसे आप देखते हैं कि हम पटाखे छोड़ते हैं ना, उसमें एक धागा लगा होता है, उस धागे में कोई चिंगारी आप लगा दीजिए, आग लगा दीजिए तो बम फूट जाता है, उसी को पलीता कहते हैं। जी भैया, परिमार्जन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, परिमार्जन उसका अर्थ क्या है भैया? वो परिमार्जन भी शायद स्थाई परिवर्तन। जी स्थाई, स्थाई परिवर्तन, स्थाई परिवर्तन जी। तो लौट के पुराने स्थिति में नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। बदलाव हम कह सकते हैं, बदलाव। हाँ देखिए, बदलाव में ये होता है कि हमें लगता है कि आज शांत है, कल फिर उग्र हो गए। अच्छा, तो परिमार्जन जो है हमेशा पॉजिटिव उसमें आएगा। हाँ, जैसा हमको सहज रूप से स्वीकार है वैसा हम हो गए निरंतरता में, ये परिमार्जन है। अच्छा ठीक ठीक है भैया, ठीक है।
जी, तो हम इस बात को अगर देख पा रहे हैं तो उपलब्धि की बात है कि मुझे स्वयं पे काम करना है ना, अपने सुख और दुख के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। और ये भी हमको उसी क्रम में दिखाई देगा कि मेरे सुख का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। तो इस आधार पर आप देख पा रहे हैं कि मानव जो है मैं और शरीर का सहस्तित्व है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक हम जो प्रयास करते रहे वो ज्यादा प्रयास बाहर सुविधाओं के अर्थ में होता रहा है ना, ऐसा मानते हुए कि सुविधा ही सुख है। ऐसा हो सकता है पहले हम इसको मान के जीते रहे, परंतु अब वहां से शिफ्ट हो पाए हम इस बात को देखने के लिए कि नहीं, मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, तो शरीर मुख्य मुद्दा नहीं है, मैं और मैं का विकास ये मुख्य मुद्दा है। इसलिए सुविधा के लिए जो अभी तक काम कर रहे थे उसकी एक निश्चित भागीदारी है, परंतु वो संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है। क्या लगता है, इस बात को हम देख पा रहे हैं? इसको भी आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पूरा अस्तित्व है वो जड़ नहीं है, इट्स नॉट जस्ट मटेरियल, शून्य है, शून्य में इकाइयां हैं, और इकाइयां दोनों प्रकार से हैं, जड़ भी हैं और चैतन्य भी हैं। और जड़ और चैतन्य इकाइयां अलग अलग हैं, न तो जड़ का ही कोई प्रभाव है चैतन्य, न चैतन्य का ही कोई प्रभाव है जड़। तो जब मैं अस्तित्व को समझने जाता हूँ तो मैं शून्य को भी समझता हूँ, जड़ को भी समझता हूँ, चैतन्य को भी समझता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक हमने ये माना हुआ था कि पूरा जो अस्तित्व है वो जड़ है, इसलिए जड़ के अध्ययन से पूरे अस्तित्व को समझा जा सकता है। इनफैक्ट एक मेजर फसावट है ये, है ना, और ये विज्ञान में इतनी बड़ी फसावट है कि इतने वर्षों के इतिहास के बाद, इतने वर्षों के रिसर्च के बाद ही लोग इससे निकल नहीं पाते हैं। अगर आप स्टीफन हॉकिंग को पढ़ें तो वो एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री रहे पिछले शताब्दी के, इनका कुछ वर्ष पहले देहांत हुआ, 5-6 वर्ष पहले, और इस बात को बार बार कहते रहे कि मानव शरीर मात्र है ना। इस बात को भले एक्सप्लिसिटली नहीं कहा, परंतु उससे एक निष्कर्ष उनकी बातों से भी निकलता कि पूरा अस्तित्व जड़ मात्र है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी पूरी दृष्टि इसी अर्थ में बन जाती है कि हम पूरे अस्तित्व को जड़ मान लेते हैं, मानव को हम शरीर यानी मानव को भी जड़ मान लेते हैं, और हम वहां पे छोटी छोटी बातों को भी रैशनली देख नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है इस बात से हम उबर पाए हैं। इसको भी आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चौथा जो पॉइंट है, या इस पे कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, है ना। हमें से कुछ साथी अभी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप करके ही आए हैं, हो सकता है उनको भी ये पूरी बात स्पष्ट ना हो, शून्य क्या है, इकाइयां क्या है, जड़ा चैतन्य के बीच अंतर क्या है, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। परंतु यदि इस बात को आप अपने आप में देख पा रहे हैं, स्वीकार पा रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी भैया, आपने बोला जो सुख और दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, और ये परिस्थितियां ट्रिगर करती है सुख और दुख, ट्रिगर है जो जिसके कारण हम दुख या सुख महसूस करते हैं, या महसूस करना नहीं चाहिए। तो एक एग्जांपल जैसा ले, कोई एडवर्स सिचुएशन जिंदगी में आती है, एखादा डिसीज होता है, कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, तो आप कैसे सुख पा सकते हैं इसमें? तो उसमें तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है, तो ऐसे इसमें कैसे सुख पाएंगे इस एडवर्स कंडीशन में? देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए भैया जी प्लीज। तो सिचुएशन है, ठीक है ना, हाँ, सिचुएशन एडवर्स है, कौन डिसाइड कर रहा है? हम कर रहे हैं, उससे तकलीफ हो रही सिचुएशन से। हाँ जी, तो हो ये रहा है कि हम सिचुएशन में समाधानित नहीं है, तकलीफ में है, आराम में नहीं है, परेशान है, ठीक, और हम फिर इसको एडवर्स कहते हैं। बराबर, तो ये अर्थ तो हमने दिया ना कि सिचुएशन एडवर्स है। बराबर, तो निर्णय तो मेरा हुआ। हाँ, तो जिम्मेदार कौन हुआ? मैं हूँ। सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कोई एडवर्स रूप में देखता है, उस सिचुएशन को कोई अपॉर्चुनिटी रूप में भी देख सकता है, उस सिचुएशन में कोई सहज भाव में बना रह सकता है, कोई घटना है, तो आपको दिखाई देगा कि प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहते हैं, शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है, सुविधाओं में परिवर्तन होता ही रहता है। बराबर है ना, वही परिवर्तन हुआ है। अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो मैं हर सिचुएशन को उसी रूप में देखता हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। अच्छा। और चूंकि मैं सुविधाओं से या बाहर से मिलने वाली सूचनाओं से सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहा, तो उससे मैं दुखी भी नहीं होता हूँ। बराबर, तो ना तो मैं एक्साइटेड होता हूँ अगर फेवरेबल सिचुएशन है,
ना मैं डिप्रेस होता हूँ, कोई एडवर्स सिचुएशन है। बराबर है, बराबर है भैया। ओके थैंक यू भैया जी। बढ़िया भैया, नमस्कार भैया। जब हम बात करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, और काफी आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपनी निजी जिंदगी में हमारे जो एग्जांपल्स आते हैं तो उसको शायद रखने में शंका भी होती होगी कि हम कैसे रखें, बट मैं एक वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे जो है ट्रॉमा। कई बारी हमारी निजी जिंदगी में हमारी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, हाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या ट्रॉमा है और क्या ट्रॉमा नहीं है, बट ट्रॉमा एज इन एनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन जिसमें लेट्स से अगर इफ समबडी इज डीलिंग विद एनीथिंग, आई मीन एक्सट्रीम बात में बात कर रही हूँ, मर्डर, कैंसर, डेथ, यू नो एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज, आई एम जस्ट पुटिंग इट लाइक दैट। तो उसका थोड़ा आप उसको अलग तरीके से उसका समझाने का होता है कि वो भी ऐसे ही होता है कि who wants to be happy, the self or the body? A body ke sath trauma hua aur self wants to happy, still be happy or forget ke bhul jane ka koshish bhi hoti hai, lekin wahi phir trauma baar baar ubhar ke aata hai. Ye question mere dimag mein tha, ab jabhi bhi aage bhi lenge, I'm not sure ki aapka aage jo aap le rahe hain usko aap kaise is cheez ko deal karenge, but ye mere dimag mein aa raha tha. जी, इनफैक्ट ट्रॉमा है तो फियर का ही एक आउटकम है। इसमें मैं कहूंगी कि अब्यूज भी है कई बारी, फियर तो है ही, फियर तो चलो है ही, वो तो हम उस बारे में तो आई अंडरस्टैंड, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप स्ट्रेंजर से बात नहीं करो या आप अकेले नहीं जाओ, या लड़कियों को बोल, लड़की है क्या, आई टेल माय सन आल्सो कि यू बी केयरफुल जब आप रात को लेट आते हो या कुछ आते हो तो हमारे को फिक्र लगा होता है, तो ये बातें तो वो तो फियर बेस्ड होती है, लेकिन एक है जो आपने जो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है कि हो गया ही। जी जी ठीक बात है। तो जो घटनाएं हो गई हैं है ना, वो घटनाएं सुखद नहीं रही, और उसको जब जब याद करते हैं तब तक हमारे अंदर जो स्थिति बनती है वो परेशानी की बनती है। उसमें भी आप देखेंगे कि मूलतः हम कुछ मुद्दों पे उलझे हुए रहते हैं। जैसे अगर हम अपने आप को शरीर मान कर जिए, तो अपने आप को शरीर मानने से शरीर में अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उसको लेकर हम बहुत व्यथित परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर हमें स्पष्ट न हो मानव मानव का संबंध क्या है, हमें ये स्पष्ट न हो कि चाहता तो हर मनुष्य दूसरे को सुखी ही करना है, समझ के अभाव में दुखी रहता है और दुखी करता है जी। तो ये जो भी घटनाएं पास में होती हैं उसमें आप देखें तो मानव के बारे में जो हमने माना हुआ है, संबंध के बारे में हमने जो माना हुआ है, या प्रकृति के बारे में हमने जो माना हुआ है, या अस्तित्व के बारे में जो हमने माना हुआ है ना, वो सब हमारे लिए पीड़ा दुख का कारण बनते हैं। तो समाधान तो यही है कि हम मानव को जैसा वैसा समझ लें, मानव मानव संबंध को जैसा वैसा समझ लें, मानव और शेष प्रकृति का जो संबंध है उसको जैसा वैसा समझ लें, पूरी प्रकृति को जैसा है वैसा समझ लें। अगर हम इस बात को समझ पाते हैं है ना, और अस्तित्व को जैसा वैसा समझ लें, इस पूरी बात को समझ पाते हैं, तो जो गहरे गहरे संस्कार हमारी मान्यताओं से बन गए उससे हम उबर पाते हैं, ठीक। तो आप पाएंगे जो भी बात हो रही थी कि सिचुएशन वही रहा होगा, एक व्यक्ति उस सिचुएशन से गुजर कर ट्रॉमा में चला गया, एक व्यक्ति सिचुएशन से गुजर कर है ना अभी भी आराम में है और अपने आगे की योजना बना पा रहा है। यानी कि हमने उस सिचुएशन को जो अर्थ दिया जो पास्ट में हुआ, ठीक है ना, उससे हमारा सुख या दुख तय हो रहा है, उस सिचुएशन से नहीं, उस अगले व्यक्ति से नहीं, उस परिस्थिति से नहीं, हमने जो अर्थ दिया हुआ है उससे तय हो रहा है। तो आपने जितनी भी तरह की ट्रॉमेटिक सिचुएशंस की बात की है ना, अल्टीमेटली देखें तो उन सिचुएशंस पे भी बहुत सारा शेयरिंग आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, लोगों के द्वारा डायलॉग करके भी मिलेगा। तो कुछ लोग हैं जो उससे बड़ी आसानी से निकल पाते हैं, कुछ लोग हैं जो उसमें उलझे रह जाते हैं, कुछ लोग हैं जो उससे अपने को क्षति पहुंचा देते हैं, है ना। तो हर तरह का आपको दिखाई देगा, रिएक्शन या रिस्पॉन्स दिखाई देगा उसमें। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि डिसीजन तो सेल्फ ही ले रहा है, मैं ही ले रहा हूँ, ठीक। और जो मैंने मीनिंग एसोसिएट किया है उस सिचुएशन को, उसके आधार पर ले रहा हूँ, और जो मैंने मीनिंग एसोसिएट किया है वो मेरे फीलिंग से तय हो रहा है, और जो मेरा फीलिंग है
वो अक्सर मेरी कंडीशनिंग से तय हो रहा है और मैं अपने कंडीशनिंग पे काम नहीं कर पा रहा हूँ जी, है ना। तो अभी जो हम लोग सुबह का एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सारा इसी बात के लिए है कि हम अपने डीप कंडीशनिंग पे काम कर। तो अभी जो सामने लिखा है ना कि जो दूसरा पॉइंट है ये अगर हमें दिख जाए कि कोई भी सिचुएशन है उसमें यदि मैं दुखी हो रहा हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी को लोकेट करना है ना। और वो जिम्मेदारी को हम लोकेट जब कर पाते हैं तो अपने उन गहरे संस्कारों को पकड़ पाते हैं, देख पाते हैं। वैसे ही जब हमको ह्यूमन बींग समझ में आता है, मानव समझ में आता है, तो सेल्फ के लिए की जो प्रोग्राम है, बॉडी के लिए जो प्रोग्राम है, वो दोनों हमको समझ में आता है। सेल्फ में जो घटनाएं हो रही हैं और जो बॉडी में घटनाएं हो रही हैं, वो दोनों समझ में आती है। वैसे ही पूरे नेचर एग्जिस्टेंस को समझते हुए हम कॉन्शसनेस के लिए और मटेरियल के लिए दोनों सही प्रोग्राम बना पाते हैं, जड़ के लिए और चैतन्य के लिए सही प्रोग्राम बना पाते हैं। जी का प्रश्न है, पॉइंट 3 और 4, फीलिंग के लेवल पर हर मोमेंट कैसे देखें। ठीक बात है, अभी तो कम से कम सूचना तो है हमारे पास, तो अभी तक जो हमारी इमेजिनेशन में चल रहा था उसमें सूचना जुड़ गई कि अभी तक जहाँ हम जड़ यानी मटेरियल को लेकर ही पूरा विचार कर रहे थे, अब हम जड़ चैतन्य दोनों को लेकर कर रहे हैं कि नहीं। अभी तक हम जहाँ बॉडी को लेकर पूरा विचार कर रहे थे, अब सेल्फ और बॉडी इन दोनों को लेकर कर रहे हैं, तो कम से कम विचार में बात आई। ठीक, फिर जैसे जैसे हमारे अंदर एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे ध्यान में मुद्दे बने रहते हैं और हम इन दोनों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। फिर तो जड़ को जड़ के रूप में देखते हुए, चैतन्य को चैतन्य के रूप में देखते हुए, अस्तित्व की बात करें तो प्रकृति को प्रकृति के रूप में देखते हुए, व्यापक यानी शून्य को शून्य के रूप में देखते हुए। तो ठीक बात है, अल्टीमेटली मुद्दा तो अपने आप में एक्सप्लोरेशन को ही एनरिच करने का है, जांच परख को ही बढ़ाने का है। जी बढ़िया। वो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ये बताऊं कि फर्स्ट जब शिविर अटेंड किया था जीवन विद्या का, कि ऐसा लगा था कि सब समझ में आ गया, लेकिन बाहर आए तो ऐसा लगा B1 ब्लॉक क्या है, B2 ब्लॉक क्या है, कुछ समझ में नहीं है, कल्पनाशीलता क्या है, कुछ भी समझ में नहीं है। और आप बोलते हैं परिमार्जन और जड़ इकाई इतना फ्लो में बोलते हैं, तो पहले मॉर्निंग सेशन में भी कुछ पकड़ में नहीं आया, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि जिस्ट तो समझ में आ जाता है, मतलब तो समझ में आ जाता है कि देखना है अपने को ही देखना है। तो फिर वापस UHV 2 किया, UHV 1 भी रिपीट किया, तब जाके ये शब्दावली थोड़ा 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 पकड़ में आता है मेरा ये। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स अगर देखें तो ये हमारे लिए क्वालिफिकेशन है UHV 3 के लिए, जिसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना। और यदि इस पे कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, तो जो 4 पॉइंट सामने रखे गए। तो अगर हम अपने क्वालिफिकेशन को देखें, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस रूप में दिखाई देता है कि अब आपका ध्यान स्वयं की ओर जाने लगा है। तो जहाँ पहले कुछ ऐसे आपके अंदर भाव विचार हो सकता था कि आई एम समवॉट स्पेशल, मुझे दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना है, दूसरा मेरा अपोनेंट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह के बहुत सारे हमारे अंदर भाव विचार पहले हो सकते थे, अब आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मेरा रियल गोल क्या है ना, एक मानव के रूप में। और जहाँ मानव की बात हो रही है तो वहाँ मैं और शरीर, इन दोनों की बात हो रही है, तो उस रूप में मेरा गोल क्या है। और अभी आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ी है डिजायर्स के प्रति, थॉट्स के प्रति, एक्सपेक्टेशन के प्रति, यानी आपकी जो इच्छा है, विचार है, आशा है, उसको लेकर आपका अवेयरनेस बढ़ा है। और पहले आप जितने कॉन्ट्राडिक्शन में थे, जितने अंतर विरोध में थे, अब उससे अंतर विरोध आपका घटा है। क्या लगता है, ये बात कहना ठीक है? तो ऐसा हो सकता था कि हमारे अंदर पहले इस तरह के बहुत सारे विचार थे, मैं कुछ विशेष हूँ, है ना, या फिर मुझे दूसरों पर डोमिनेट करना है, जीवन संघर्ष है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुखी करना चाहता है या मतलब पीछे छोड़ना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, सो ऑन, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं भ्रम हो सकते थे हमारे अंदर, उससे हम आगे उभर पा रहे हैं ना, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अब हम अपने लक्ष्य को देख पा रहे हैं, एक मानव के रूप में हमारा लक्ष्य क्या है। और अब आपकी अवेयरनेस बढ़ी है अपनी इमेजिनेशन के प्रति, अपनी कल्पनाशीलता के प्रति, आपके डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन के प्रति, कि नहीं। और पहले से आपके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन कम हुए, इस बात को आप अपने आप में ऑब्जर्व कर लें। इसको भी आज हम नोट करें अपने जर्नल में, आज नोट करें कि ऐसा हो पाया है कि नहीं, कि नहीं।
ऐसे कितने विचार थे जिस पे आपको लगता है कि हाँ अब गति बन गई है, कुछ सामान्य से घटनाएं है ना? पहले हम सम्मान को किस रूप में देखते थे, अब किस रूप में देखते हैं? पहले विश्वास के बारे में क्या मानते थे, अब क्या मानते हैं? पहले प्रेम के भाव को किस रूप में सोचते थे, अब क्या सोचते हैं? पहले परिवार और समाज के बीच जो अंतर संबंध है उसको कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं? तो पहले लगता था कि पूरे समाज को किसी प्रकार से है ना लूट कर, खसोट कर, शोषण करके, संग्रह करके हमको परिवार को भरा पूरा करना है, परिवार में संपन्नता लानी है। हो सकता है पहले ऐसे सोचते थे, अब किसी और प्रकार सोचते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे हमको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। जी सर, अपने सेल्फ के ऊपर तो बहुत जा रहा है कि ध्यान हम लोग को क्या कितनी कॉम्पिटेंस से अपना वर्क करना, पर क्लास में जब बच्चा क्लास में आ रहा है तो जो पहले वाला लेक्चर है उसको अटेंड कर रहा है, पर फिर जब मेरा लेक्चर आ रहा है तो वो लेक्चर में भाग जा रहा है, फिर उसमें बहुत मेरे को बहुत मुश्किल से कल मैंने अपने आप को कंट्रोल करा कि इतना समझाने पर भी वो बच्चा बैठना नहीं चाह रहा, मेरे डॉक्यूमेंट्स है ये है, मेरा बहाने बना के भाग रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि जो मेरे को समझ आया कि नहीं, हो सकता है उसका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट का सबमिट कराना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम लोग जाओ, जिसको क्लास अटेंड करना वो करो, अदरवाइज जिसको जरूरी काम है वो जा सकता है। पर इतना बोलते ही आधी क्लास खाली हो गई, सबको ही इतना जरूरी काम है पर क्लास अटेंड नहीं करना। फिर वहां पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा कि ये सोचा कि शायद मेरे समझाने में और उनके समझने में कुछ अंतर रह गया, या मेरा लेवल कम है उनको समझाने का, या फिर वो समझना नहीं चाह रहा, इसमें थोड़ा सा फिर भी बहुत कंट्रोल करा मैंने। नहीं तो पहले बहुत झुंझलाहट होती थी और गिल्टी फील होती थी, यार ये वाला सब्जेक्ट क्यों नहीं बच्चा पढ़ना चाहता। एक्चुअली सब्जेक्ट है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी, तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में उसको नॉन क्रेडिट कोर्स है तो सिर्फ उसको पास आउट होना होता है, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं देता, बस हाँ मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए तो मैं पास हो जाऊंगा। इंजीनियरिंग का बच्चा ऑब्वियसली मार्क्स तो वो अच्छे ले ही लेगा, इस चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पास तो वो कर लेता है। पर फिर वहां पर मेरी सिचुएशन जब खराब होने लगती है तब मेरे को बहुत फील होने लगता है, फिर कंट्रोल तो मैंने बहुत करा पर वो चलता ही रहा शाम तक मेरे दिमाग में कि नहीं नहीं बच्चों को हो सकता है कि उनका एज ऐसा है या उनकी समझ ऐसी है। फिर थोड़ा सा 4 बजे तक थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर पाए, कम से कम मेरे को 2 घंटे लगे इसको अपने आप को समझाने में, सेल्फ को समझाने में। जी तो देखिए अभी क्या हुआ, पहले स्थिति आप झुंझला जाते थे, शायद उसको आप एक्सप्रेस बहुत ज्यादा झुंझला जाते जी। हाँ, अब उससे एक शिफ्ट तो मिला कम से कम कि अब एक्सप्रेशन में झुंझलाहट नहीं जा रही है, परंतु अपने अंदर भी भाव बिगड़ा हुआ है इसलिए कंट्रोल करना पड़ रहा है। हाँ जी सर, यही बात। जी जी जी, उससे आगे करने काम ये है कि हमारा भाव भी ना बिगड़े। ठीक है सर। जी जी, ठीक है ना, वो तब हो पाता है जब हम जी उन बच्चों के इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में अंतर को देख पाते हैं, और ये भी देख लें कि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं कोर्स में वो उनके कॉम्पिटेंस के अर्थ में है कि नहीं, तो उसमें भी हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस विधि से पढ़ा रहे हैं, उसको भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है सर। नहीं, विधि पे भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ, इस पे भी मैंने एक UHV बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाया था, उसमें मेरा एक ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा रहा, मैंने कहा बच्चों आप एक एक अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाओ, एक टॉपिक लो और वो मेरे को सबमिट करो, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था UHV पढ़ाने का, तो उसमें बच्चों के जो क्लिप्स मेरे को मिले वो सच में वो एक एक वर्ड को उन्होंने समझा, और वो क्लिप मेरे को जब व्हाट्सएप पे सेंड करे मेरे को लगा कि बच्चों के कॉम्पिटेंसी में कोई शायद मेरे को डाउट है पर उनमें कमी नहीं है। जी, बहुत जी, अच्छे क्लिप बनाए थे बच्चों ने UHV पे, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बढ़िया दीदी, क्योंकि मेरे पास इतनी समझ नहीं थी समझाने की UHV, क्योंकि फर्स्ट मैंने अभी क्लियर ही करा था, तो वहां पर मैंने वो एक्सपीरियंस जब रहा ना, अब मेरे को इतने जो मेरे भाव है उसको मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ बहुत ज्यादा।
जी बढ़िया। तो ये अपने आप में हम बढ़िया दीदी, और इस तरह से आप नोट करते चले, है ना, आपको क्रमशः अपने आप में ये धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। जी जी। तो एक बात तो ये है कि हमारा जी हमारा स्वयं की ओर ध्यान जाने लगा है, ठीक, जहाँ भाई हमारा ध्यान बाहर की ओर था उससे हम शिफ्ट होकर अपनी ओर ध्यान देने लग गए। ये भी आप अपने आप में देख पा रहे होंगे कि जहाँ हम पहले सुविधा संग्रह में फंसे हुए थे, है ना, अब वो लक्ष्य नहीं है। अब सुविधा की आवश्यकता को पहचानना है और उसकी पूर्ति करनी है। तो जहाँ सुविधा संग्रह हमारे एक तरह से जीने का ध्येय बना हुआ था, लक्ष्य बना हुआ था, एक्युमुलेशन के ही अर्थ में सोचते थे, विचार करते थे, और उसके कारण कई बार संबंधों को भी प्रभावित करते थे, दूसरों से हम कई बार कॉम्पिटिशन कर जाते थे सुविधाओं के अर्थ में। तो अब आप सुविधा संग्रह को लक्ष्य न बनाकर, एक्युमुलेशन को लक्ष्य न बनाकर, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि को लक्ष्य बना पा रहे हैं। और प्रॉस्पेरिटी को समझें तो उसमें दिखता है कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, निश्चित है, उसको समझना है, उसको पूरा करना है। तो जहां संग्रह लक्ष्य था, अब समृद्धि लक्ष्य बन पा रहा है। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि सभी समृद्ध हो सकते हैं, सभी बिलियनियर नहीं हो सकते, परंतु सभी समृद्ध हो सकते हैं। एक उदाहरण ले कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि घर की आवश्यकता 20,000 रुपए की है प्रति माह, और मैं 40,000 रुपए अभी अर्न कर रहा हूँ, तो मैं समृद्ध हूँ, आवश्यकता से अधिक है। मैं 40,000 रुपए अर्न कर रहा हूँ परंतु मुझे लगता है कि सुविधा की आवश्यकता घर में 1,00,000 रुपए से पूरी होगी, तो वही 40,000 रुपए है परंतु अब मैं दरिद्र महसूस कर रहा हूँ। तो समृद्धि के भाव को लेकर आपके अंदर कोई शिफ्ट मिला है कि नहीं, इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कि समृद्धि के भाव को लेकर, है ना, आपके अंदर शिफ्ट मिल पाया है कि नहीं, कि पहले जितना हम समृद्ध महसूस करते थे या सुविधाओं को लेकर जैसे हम व्यग्र होते थे, परेशान होते थे, अनकंफर्टेबल होते थे, अब उतने नहीं होते। और ऐसा भी हो सकता है कई सारे मायने में आप उसको देख पा रहे हैं कि पर्याप्त है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक है ही, कपड़ों की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक है ही, है ना, मकान की बात करें, आवश्यकता से अधिक है ही। अगर छोटी छोटी बातें अगर हम इसको न देखें तो हो सकता है कि आज हमारे पास बढ़िया सा मकान है, है ना, ऐसा होता है हम एक सब अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हमारे पास फैला हुआ 3-4 कमरों का मकान है, कंफर्टेबली रह रहे हैं, घर में रहने वाले लोग 2-3 ही है या 3-4 ही है, कंफर्टेबली रह रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे अंदर एक इच्छा बनी हुई कि हम किसी मेट्रो सिटी में एक मकान ले लें, भले ही ये 4 कमरों का मकान हटा के वहाँ 2 कमरों के मकान में रह लेते, बट वहाँ शिफ्ट हो जाते, और उसके लिए हम पूरी योजना बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक बार भी ध्यान में आ जाए कि मकान तो शरीर के संरक्षण के लिए होता है, सम्मान पाने के लिए तो होता नहीं है, तो पता चला पूरा आइडिया ही ड्रॉप हो गया। उससे आप पाएंगे आपकी कई रातों की नींद ठीक हो गई कि नहीं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें जो है हमारी नींद खराब किए रहते हैं। हम साथ बैठते हैं और बातचीत का कंटेंट यही बन जाता है, या हो सकता है कि हमारे पास किसी सिटी में ही 2 BHK का फ्लैट है, घर में रहने वाले 2-3 लोग हैं और पर्याप्त है, बट चूंकि मित्रों ने 3 BHK बुक करा लिया है तो हमको लगता है हमें भी 3 BHK बुक कराना है ना, और उसको लेकर हम चिंतित हैं, दुखी हैं, या उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, लोन कहाँ से लें, कैसे चुकाएंगे, ठीक, पुराने असेट्स को कब कैसे कहाँ बेचेंगे ताकि ये लोन चुक जाए, है ना, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहाँ कहाँ कमी करेंगे। अभी जहाँ हम सगे संबंधियों के साथ भी उनको शेयर किया करते थे, उदारता पूर्वक हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली में खर्च किया करते थे, अब उसको रोक कर मकान में लगा देंगे। अभी सब बहुत सारी चीजें हैं, अगर घर परिवार की बातों को देखें तो सब चलता रहता है। एक बार ये समृद्धि का भाव हमको ध्यान में आ जाए और हमको दिख जाए कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, सुविधा शरीर के आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, सम्मान के लिए नहीं, तो आप पाएंगे आपके अंदर समृद्धि का भाव सहज रूप से आने लगता है। इनफैक्ट इतना तक है कि अगर बैठ के ठीक से बात हो जाए, ध्यान चला जाए, तो आदमी को ये लगता है कि फिर इतनी सारी सुविधाओं करेंगे क्या, या बचे हुए समय करेंगे क्या, अगर पहले से सुविधा आवश्यकता से अधिक है तो इस बचे हुए समय का करें क्या। ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा, ये स्थिति बन जाती है, है ना, कि जब इस बातचीत से तो ये निकल के आ रहा है कि पहले से इतना अधिक है, फिर अब आगे क्या करें लाइफ में, और क्या प्रोग्राम है हमारे लिए, फिर करेंगे क्या, सुबह शाम तक कैसे टाइम काटेंगे, यहाँ तक हो जाता है।
तो क्या लगता है आपके अंदर शिफ्ट दिख पा रहा है कि नहीं? जी बढ़िया, तो सबने हाँ ही कहा है, मैसेज है कि बहुत अच्छे समझ में आया है। पर जब हम किसी शेयर चाहते हैं तो कंफ्यूज है कैसे करें, कहना है कि अब तो मॉल जाने में डर लगता है। बढ़िया। सही बात है कि दो साथी जो सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, है ना, वो एक मॉल में किसी दुकान में मिल जाए और अनावश्यक चीजों पर ध्यान दे रहे हो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है एक दूसरे के लिए। शशिकांत जी कह रहे हैं कि है ना एक सी चेंज है, बहुत बढ़िया। जी जीने में आ रहा है। कुछ लिखा है, वी बिल्ट हाउस टू चेक वेदर वी गेट दिस अहंकार। जी जिनको भी कोई बात रखनी हो ऐसा प्रश्न रखना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो इस दूसरे पॉइंट को भी ऑब्जर्व करें, जो आपने कल जर्नल बनाया है और जो दो कॉलम्स बनाए हैं उसमें भी लिख लें किन मुद्दों पे हम समृद्ध महसूस कर पा रहे हैं, किन मुद्दों पे भी फंसे हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लियर नहीं है, ना कहें फंसे हुए हैं, अभी बहुत क्लियर नहीं है, उसको भी लिख लें। जी जी नमस्ते सभी को। जी भैया, मैं पहले वाला मुद्दा जो मैंने हैंड रेस किया था वो और ये दोनों एक संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। जी ये जो दीदी ने अभी बताया था कि बच्चे क्लास से निकल जाते हैं, ये ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूँ कि मानना जानना जो भी है जान गया हूँ अभी कि बच्चे अपनी तरह से वो करते ही रहेंगे। आप कितना भी बढ़िया पढ़ाओगे तो वो क्लास में बैठे इसका मतलब वो पूरी तरह से आपसे सहमत है या कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पहले जो दीदी ने बताया वो हमें भी लगता था शुरू शुरू में, अभी तो हमको 30-35 साल हो गए, लेकिन अभी ये UHV के कारण ये हम जान गए हैं कि अपने सेल्फ को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी परिस्थिति चल रही है, जी भैया, जो भी परिस्थिति चल रही है वो परिस्थिति अपना काम कर रही है और हमें हमारे सेल्फ को ये बताना है कि भैया ये सब होता रहेगा, यू शुड बी वेरी हैप्पी। ये मेरा पहले के बारे में है। और दूसरा जो शिफ्ट अपने आपने हमने पाया है, रियली आपने जो बोला मॉल में या घर में भी, अभी देखिए मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ, अभी इधर आ रहा हूँ, तो जो हमारी जो क्षमता है, जो हमारा है, जो हमारे पास है, उसी को पर्याप्त मान के चलना चाहिए, ना कि मॉल में गए या फिर इधर गए तो उधर जाके फिर दूसरे को नसीहत भी देने की जरूरत नहीं है। वो खुद समझदार है कि अपने को कितना चाहिए। आपने जो एग्जांपल दिया वो बहुत ही सही दिया भैया कि 40,000 में काम होता था, फिर अभी 1,00,000 में भी नहीं हो रहा, आगे 10,00,000 में भी नहीं होगा। तो जी भैया ये बहुत ही बढ़िया शिफ्ट हम अपने आप में देख रहे हैं। जी भैया नमस्ते। ओके जी बढ़िया भैया, इसमें दोनों पॉइंट मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं जो आपका रिस्पांस। तो जी भैया ऐसा मान लेना कि ऐसा होता ही रहेगा वो पर्याप्त नहीं। इनफैक्ट हम देखें कि बच्चे क्यों क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर बच्चे क्लास छोड़कर गए है ना ऐसा चॉइस देने से, तो उनको जाने दें, बट उसके बाद उनके साथ बैठ कर डायलॉग करें कि अल्टीमेटली उनके कंसर्न्स क्या है, वो उस क्लास में क्या महसूस करते हैं बैठे हुए। जी भैया ठीक है। तो जैसे हम इंडियन ट्रेडिशन भैया दो मिनट में इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। आप बच्चों की बात करें, बच्चे तो भले अपने अपने उम्र के टीचर जो है जो UHV नहीं कर रहे वो भी हमारे ऊपर हंसते हैं, बोलते ये क्या UHV कर रहा है और क्या इससे फायदा होने वाला है। ये नहीं, ये फैक्ट है भैया, मैं भी 57-58 साल का बुजुर्ग हूँ। वो जो हमारे बाजू वाले है वो बोलते हैं UHV करके इसको क्या मिलने वाला है और UHV पढ़ा के क्या मिलने वाला है। वो तो दिस इज द फैक्ट प्रेजेंटली पर्टिकुलरली इन इंजीनियरिंग भैया। जी ठीक बात है। तो अभी तो लोगों के लिए थोड़ा ये विस्मय का वस्तु है, मतलब विस्मय का वस्तु है, बिल्कुल वस्तु है, बिल्कुल विस्मय का है। उनको ये UHV क्या है कुछ लोगों को यही पता नहीं। हमने तो अभी 1-2-3 में चल रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत सही है भैया। जी भैया प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। जी एक तो वही बात है कि बच्चों से हम डायलॉग करें और उनको देखें उनके कंसर्न्स क्या है और कैसे हमारा कोर्स उनके कंसर्न्स को ठीक से फुलफिल कर सकता है। जैसे इंडियन ट्रेडिशन की बात हो रही है तो इंडियन ट्रेडिशन में क्या वैल्यूएबल है जो उनको आगे लाइफ में गाइड करेगा। तो कई बार हम जब कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो कंटेंट एक इन्फॉर्मेशन के रूप में तो दे रहे होते हैं, बट बच्चों के सुख से जोड़कर उसको रिलेट नहीं कर पाते तो भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है ना। और दूसरी बात जो आपने कही, तो हमें ये
मान लेना है, ऐसा भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल सुविधा की आवश्यकता को ठीक से पहचाने। ऐसा भी हो सकता है कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हों और जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको पूरा ना कर पा रहे हों। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि घर के ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो हम हजारों रुपए की वस्तु ला देते हैं, बट शरीर के लिए जो आवश्यक कुछ भोजन में शामिल होना है उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है, क्योंकि हमको लगता है कि जो ड्राइंग रूम में वस्तुएं हैं उससे तो सम्मान मिलेगा, अगले व्यक्ति उसको पहचान पाएगा, परंतु हम अपने घर में क्या खा रहे हैं उस पर अगला व्यक्ति तो देख नहीं पा रहा, तो हम कहीं उसमें कमी कर देते हैं जिससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य में कमी आ जाती है और हम अनावश्यक चीजों पर खर्च करते हैं। तो ये भी एक शुभ मिलेगा जब हम स्वास्थ्य के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है उसको ठीक से पहचानते हैं और ये बात देख पाते हैं कि सुविधा सम्मान है ना मिलने वाला नहीं है, सुविधा तो शरीर के लिए है, सम्मान के लिए तो हमारा भाव है, हमारी समझ है, तो ये भी एक शुभ मिलेगा, तो इसको भी हम नोट कर लें। जी भैया जी, जो अभी आप समृद्धि के लिए बोल रहे थे उसमें मैं अपने आप में जो ऑब्जर्व कर पा रही हूँ तो मैं कुछ चीजों में अटक रही हूँ। जैसे प्रेजेंट में मैं अपने आप में देखती हूँ तो वो मुझे लगता है कि मैं हाँ, जैसे अभी बहुत मॉल जाने का मन नहीं होता है और पहले थोड़ी आदत थी ज्यादा शॉपिंग की तो अब वो कम हो गई है, ये मुझे अपने अंदर दिखता है, पर भविष्य की चिंता एक रहती है अंदर की, नहीं थोड़ा तो होना जरूरी है मेरे पास सेविंग, क्योंकि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां कई जगह मुझे दिखती है कि नहीं ये नीड तो मनी सेविंग की मुझे लगेगी, जब मैं वर्किंग नहीं कर पाऊंगी, मतलब जो अपना मुझे जरूरत पड़ेगी ही ऐसा हेल्थ के लिए पड़ सकती है, या जो एक डर भी बोल सकती हूँ मेरे अंदर एक मुझे दिखता है, तो इसलिए मैं अपने अंदर ये समृद्धि का भाव थोड़ा नहीं फील कर पा रही हूँ। और दूसरा, मैं जीवन विद्या को समझ रही हूँ या मैं UHV को समझ रही हूँ पर पूरा परिवार तो नहीं समझ रहा है, घर में भी और रिलेटिव्स में भी, तो एक वो एक बंधन मैं अपने अंदर में देख पा रही हूँ कि घर भी फिर थोड़ा अच्छा तो लगेगा ही, देख मतलब मुझे अपने में एक डायलेमा भी ये मैं फील करवा रही हूँ कि एक दुविधा में फंस गई हूँ, जैसे नहीं होना पर लगता है वो एक मंदर, मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रही हूँ कि मैं इस चीज को कैसे रिजोल्व करूँ, क्यों बच्चों को लग रहा है कि अच्छा तो होना, आप ये क्या कुछ भी बोलते रहते हो, तो इस वजह से मैं भी दुविधा में आ जाती हूँ। जी भैया जी, मेरा प्रश्न यही है, बस मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ इस चीज को कि मैं कैसे रिजोल्व करूँ और अपने आप को कैसे सही पाथ पे ले जाऊं। तो पहले प्रश्न को अगर देखें ना, तो हम अपनी नीड्स को ठीक से आर्टिकुलेट कर लें, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी, और इन दोनों को आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में हमारी सुविधा की क्या क्या आवश्यकता है, ठीक, और भविष्य में क्या क्या होंगी, ठीक, और अभी हम सुविधा के उपार्जन के लिए अभी समर्थ हैं, अभी हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, एक उम्र के बाद नहीं अर्न कर पाएंगे, तो उसके लिए जो सेविंग करना है वो भी क्यों कितना करना है उसको भी हम तय कर लें, और सिर्फ मुझे ही सेव करके पूरे परिवार के रखना है या बच्चों को भी समर्थ बनाना है उसको भी तय कर लें। तो अगर हम इसको विधिवत करेंगे तो आप पाएंगे कि सुविधा की आवश्यकता की सीमा को हम तय कर पाते हैं, है ना, ठीक, थोड़ा बहुत आप उसमें प्लस माइनस डेल्टा कर लीजिए तो उसके साथ आप तय कर पाएंगे। जो दूसरी बात है उसमें तो पूरे परिवार का समझना आवश्यक है, परंतु उसमें भी ये होता है कि अगर हम थोड़ी उदारता पूर्वक चलें और हम अपने जीने कार्यक्रम निश्चित करें तो परिवार भी हमारे साथ उदारता रखने लगता है और उनको भी बात समझ में आती है कि जो बात कही जा रही तो ठीक ही है, ठीक, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि उनकी अपने जो दबाव है अंदर के मान्यताओं के या संवेदनाओं के उसलिए वो बाध्य महसूस करते हैं, परंतु साथ साथ बैठते हुए बात करते हुए डायलॉग करते हुए स्पष्टता बनती जाती है, और यदि हो पाए तो वो भी वर्कशॉप कर लें परिवार के सदस्य तो उनको क्लैरिटी तो हो जाएगी। देखिए एक समय के बाद परिवार भी अप्रिशिएट कर पाता है और ऐसे आप पाएंगे एक तो मतलब घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं कि अखबारों में हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा न्यूज आता है कि सुविधा संग्रह में कोई लिप्त व्यक्ति है, है ना, और उसके साथ वो कहीं चार्जशीटेड हो गया, फंस गया, ठीक, उसको इतना सारा समाज में अपमान मिला, तो लोगों का ध्यान आकर्षण इस प्रकार से भी होता रहता है कि अल्टीमेटली इसमें सुख तो नहीं है, संवेदनाओं के लिए इतने सारे कार्यक्रम लोग बनाते हैं, ठीक, और उसमें भी दिखता है कि लोग सुखी नहीं हो पाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों में बच्चे चले जाते हैं, तो इन सब चीजों से भी ध्यान आकर्षण होता रहता है। तो हम अपना कार्यक्रम निश्चित रखें, अगले के साथ उदारता रखें और जितना अवसर मिले उसमें हम उनका ध्यान दिला दें, अगर पूरा परिवार बैठ के वर्कशॉप कर ले एक साथ तो और अच्छा, कि नहीं? जी
जी भैया जी, वो तो अच्छा है ही है, पर अभी तो वो पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि इसलिए खुद में तो लगे हुए ही है। हाँ, ठीक है ना, सो भैया जी जैसे बोलते ही है पूरा परिवार आए, पर वो पॉसिबल नहीं है समझा पाना, मिस्टर को हस्बैंड को समझा पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, पहले ऐसा लग रहा होगा परिवार के लोगों को कि आपको समझा पाना मुश्किल है ना, तो अभी भी लगता होगा, तो उतनी उदारता रख के चले। ऐसा नहीं कि हमें समझ में आ गया है, और ऐसा भी नहीं इनको कुछ समझ में नहीं। जी जी जी, ठीक है, बढ़िया दीदी। हाँ, तो आप संबंध के महत्व को अब देख पा रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि संबंध के निर्वाह में भाव मुख्य मुद्दा है ना। कई बार हम जब संबंध के निर्वाह की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसमें भी अपना एक्सप्रेशन इग्नोर करते हैं, दूसरे के एक्सप्रेशन को पकड़े हुए रहते हैं। अगले ने देखो ऐसा कहा था 4 साल पहले, 5 साल पहले उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया था, ठीक, अब उसको लेकर हम अपने अंदर विरोध बनाए हुए, तो ना तो हम अपने भाव को देख पा रहे हैं, ठीक, ना हम अपने एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं, दूसरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, इसको हम अपने आप में शिफ्ट कोई देख पा रहे हैं कि नहीं, उसको भी नोट कर लें। तो क्या इस बात को हम देख पा रहे हैं कि संबंध में मुख्य मुद्दा तो भाव का है ना। और ये भी हम देख पा रहे हैं कि भाव को अपने आप में सुनिश्चित करना और कि दूसरे तक वो भाव पहुंचा पाना, ये हमारे सुख का स्रोत है। तो मेरे सुख का जो स्रोत है वो दूसरे का व्यवहार नहीं है, दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं है, है ना, मेरा अपना भाव है। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे के भाव पे निर्भर होना और उससे अपने सुख दुख को तय करना, ये परतंत्रता है, और इस विधि से कभी हम निरंतर सुखी नहीं हो सकते, और वो सब हमको दिखाई देता है अपने रिएक्शन में, इरिटेशन में, एंगर में, है ना। तो क्या हमको अपने आप में शिफ्ट दिख पा रहा है क्या, कि जहाँ हम दूसरे से भाव पाकर सुखी होने में लगे हुए थे और नहीं मिलता तो इरिटेट होते थे, क्रोध करते थे, और उसमें भी अपने क्रोध को, इरिटेशन को जस्टिफाई करते थे, उससे आगे बढ़कर अब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार पा रहे हैं, संबंध में अपने भाव के प्रति सजग हो पा रहे हैं, अपने भाव में परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं, इसको भी हम नोट कर लें जी भैया। और इसलिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं कि आपको अपनी योग्यता पहले बढ़ानी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्रयास था कि दूसरा सुधर जाए, दूसरे को हम सुधार दें, या और ठीक से कहें तो दूसरा हमारे अनुसार चलने लगे, हम तो ठीक ही हैं, ऐसा एक प्रसिद्ध मान्यता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, दूसरा हमारे अनुसार चले। परिवारों में देखें तो परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति होते हैं जो ऐसी मान्यता से ग्रस्त रहते हैं, कई बार आप पाएंगे कि मैं तो ठीक ही हूँ, दूसरा हमारे अनुसार चले, ठीक, और उसके कारण कई बार होता है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति का डोमिनेशन होता है और बाकी लोग थोड़ा डोमिनेटेड फील करते हैं, और उस कारण परिवार में मुद्दे बने ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दे बने ही रहते हैं। क्या हम इस बात से निकल पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो ठीक नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करना है। ठीक करने का मतलब भी क्या है कि मुझे सहज होना है, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर सही समझ, सही भाव इंश्योर करना है, है ना। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं ये हमारे लिए एक अवसर है कि मेरी अयोग्यता इस व्यवहार में दिख जाती है मुझे, अगर वो व्यक्ति मुझसे कुछ व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार में मेरे बारे में कोई बात कही जा रही है, तो उससे मुझे अपनी अयोग्यता स्पष्ट हो रही है ना, तो मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, ये बात हम देख पा रहे हैं कि नहीं। जी, बहुत अच्छा, सभी लोग इस चीज को गंभीरता से देख रहे हैं। तो ये जो 4 क्वालिफिकेशंस हैं, है ना, इसको हम अपने आप में नोट करें, आज के असाइनमेंट के रूप में यही रहेगा कि जो 4 क्वालिफिकेशंस हैं इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें आज दिन भर, और उसको हम पहले तो ग्रॉस लेवल पे करते हैं कि मोटा मोटी कह दिया, हाँ हाँ इसको मैं देख पा रहा हूँ और ऐसा है, परंतु उसको जब और रिफाइन करते हैं तो उसके एक एक अंग पे, एक एक भाग पे ध्यान जाता है कि हाँ इस भाग में तो कुछ ठीक चल रहा है, इस भाग में अभी भी ठीक नहीं चल रहा, इस बात पे अभी मैं इरिटेट होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, इन बातों से मैं इरिटेट नहीं होता। जैसे हमने किसी कोई काम कहा परिवार में, उसने नहीं किया, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता, वो ठीक है, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने कोई ये शब्द अगर कह दिया तो मुझे फिर से वैसे ही गुस्सा आता है,
उस पे मैं अभी पार नहीं पा रहा हूँ, तो इन सब चीजों को भी हम नोट कर सकते हैं। तो आज के असाइनमेंट के रूप में रहेगा कि इन चार मुद्दों पे, एक तो मेरा स्वयं की ओर ध्यान गया है, आप ये देख पा रहे हैं, दूसरी बात कि सुविधा संग्रह लक्ष्य नहीं है, समृद्ध होना लक्ष्य, आप संबंध के महत्व को देख पा रहे हैं और संबंध में भी भाव के महत्व को देख पा रहे हैं, और दूसरा और चौथी बात जो ये है वो ये है कि हम अपने आप को विकसित करने को लक्ष्य के रूप में देख पा रहे हैं कि पहले अपना विकास करना है, अपने में समझ बढ़ानी है, फिर दूसरे के ऊपर काम करना है।